अगर कोई हमारे मोबाइल का लॉक खोलने की कोशिश करेगा तो उसका फ़ोटो क्लिक हो जाएगा। दोस्तों, अगर हम अपना मोबाइल कहीं रख देते हैं या चार्जिंग पर लगा देते हैं तो भले ही किसी को हमारे फ़ोन का पासवर्ड पता ना हो, लेकिन उसको खोलने की कोशिश ज़रूर करता है कि भैया ये कैसे खुलेगा। यहाँ पर ज़रूर उसमें कुछ ना कुछ करने की कोशिश करता है, चाहे उससे खुले नहीं, लेकिन वो खोलने की कोशिश ज़रूर करेगा। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊँगा कि अगर आपके फ़ोन का पासवर्ड कोई खोलने की कोशिश करता है तो उसका फ़ोटो क्लिक हो जाएगा यहाँ पर, और उसको पता भी नहीं चलेगा कि उसका फ़ोटो क्लिक हो चुका है। और बाद में आप पता लगा सकते हैं कि किसने आपके फ़ोन का लॉक खोलने की कोशिश की है, क्योंकि उसमें उसका फ़ोटो आ जाएगा। तो दोस्तों, ये आप कैसे कर सकते हैं? तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि अगर आपके फ़ोन का लॉक कोई खोलने की कोशिश करेगा तो आपके फ़ोन में उसकी फ़ोटो क्लिक हो जाएगी। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है, बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पर प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, इसके लिए हमें एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी, जिसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे वहां से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं हम अपनी एप्लीकेशन में। एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने शो होगा। तो अब हमें करना क्या होगा, यहाँ पर आपको इसको स्लाइड कर देना है। इस तरह से इसको हम स्लाइड करते रहेंगे इस तरह से, और परमिशन हमसे जितनी भी मांगता है उसको अलाउ कर देंगे, ताकि ये अच्छे से वर्क कर पाए। तो इस तरह से इसको स्लाइड करने के बाद इसमें एंटर हो जाएंगे। एंटर होने के बाद ये फ़ोन में हम इसको परमिशन दे देंगे। तो यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन दिए जाएंगे, नीचे ये देख सकते हैं। तो आपको इसको एक्टिवेट कर लेना है। एक्टिवेट करने के बाद इसको लेटर कर देना है। अब हमें करना क्या है, यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है। अब ये देख सकते हैं, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिया जाएगा फोटो लॉक का। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, अभी यहाँ पर कोई भी फोटो नहीं है। लेकिन दोस्तों, अभी यहाँ पर आपको देख सकते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे अब मैं इसको यहाँ पर जैसे रख देता हूँ, इसको एक्टिवेट करने के बाद हमें रख देना है, कुछ नहीं करना है, चार्जिंग पर लगाना है, जो करना है हमें कर देना है, यहाँ पर रख देना है मतलब इस फोन को। अब जैसे यहाँ पर मैंने फोन को रख दिया, अब मेरा फोन कोई भी यहाँ पर ओपन करने की कोशिश करेगा, ये देख सकते हैं इस तरह से, ये देख सकते हैं। अभी तो मैंने यहाँ पर फिंगरप्रिंट से खोल दिया, लेकिन यहाँ पर जैसे कोई यहाँ पर इसको पासवर्ड यहाँ पर डालने की कोशिश करेगा, उसे तो पता नहीं होगा कि हमारे फ़ोन का पासवर्ड क्या है। तो इस तरह से जैसे इसको खोलने की कोशिश करेगा तो यहाँ पर उससे पासवर्ड तो खुलेगा नहीं, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से वो पासवर्ड तो खुलेगा नहीं। तो वो कुछ देर बाद हमारा फ़ोन अपना आप ही रख देगा, जब इस तरह से ऑप्शन आ जाता है इमरजेंसी का तो वो रख देगा। ऐसे ही बाद में मैं अपने मोबाइल को देखूंगा और यहाँ पर इसका लॉक खोलूंगा, तो इस तरह से ये देख सकते हैं, मैंने जैसे लॉक खोला तो ऊपर नोटिफिकेशन आ चुकी है, यहाँ पर मुझे नोटिफिकेशन मिल चुकी है कि आपका फ़ोन के लॉक किसी ने खोलने की कोशिश की है। तो अब हमें करना क्या है, अब हमें जाना होगा वापस से उसी एप्लीकेशन में। एप्लीकेशन में आ जाएंगे हम। आने के बाद दोस्तों, यहाँ पर आपको देख सकते हैं ऑप्शन मिलेगा, देख सकते हैं फोटो लॉक का। फोटो लॉक पर हम जैसे ही ओके करेंगे, ये देख सकते हैं दो फोटो क्लिक हो चुके हैं, क्योंकि मैंने दो दफा इसको खोलने की कोशिश की थी लेकिन ये खुला नहीं था, और यहां पर मेरी फोटो क्लिक हो चुकी है, देख सकते हैं। यहां मैं वीडियो शूट कर रहा हूं तो मेरा मोबाइल यहां पर आ रहा है, दूसरा वाला मोबाइल यहां पर आ रहा है, ये देख सकते हैं इस तरह से। तो ये देख सकते हैं यहां पर, ये देख सकते हैं फोटो क्लिक हो चुकी है। अब कोई भी आपका फोन का लॉक खोलने की कोशिश करेगा, उसकी फोटो इसी तरह से क्लिक हो जाएगी, उस बंदे को पता भी नहीं चलेगा कि हमारी फोटो क्लिक हो चुकी है। तो यहां पर आप देख सकते हैं, आप पता लगा सकते हैं कि मतलब कौन हमारे फ़ोन का लॉक खोलने की कोशिश करता है। तो दोस्तों, यहाँ पर वीडियो यहीं ख़त्म नहीं होती है, एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ। अगर इस एप्लीकेशन को आपको अनइंस्टॉल करनी पड़ जाए वो आप कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ये और एप्लीकेशन की तरह अनइंस्टॉल नहीं होती है। ये अनइंस्टॉल कैसे होगी ये भी मैं आपको बता देता हूँ। उसके लिए आपको एप्लीकेशन में जाना होगा, एप्लीकेशन ओपन कर लेनी है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा थ्री बिंदी का, थ्री बिंदी पर हम ओके करेंगे। ओके करने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया जाएगा अनइंस्टॉल का, इस पर अनइंस्टॉल पर ओके करेंगे तो ये एप्लीकेशन इस तरह से आएगी। तो यहाँ पर ब्रैकेट में ये मार्क लगा देना है और इसको ओके कर देना है। तो ये देख सकते हैं हमारी एप्लीकेशन अनइंस्टॉल हो चुकी है। अगर आप इसको वैसे ही डायरेक्ट अनइंस्टॉल करने की कोशिश करेंगे, फोन की सेटिंग में जाकर अनइंस्टॉल करने की कोशिश करेंगे तो अनइंस्टॉल नहीं होगी, इसी तरह से अनइंस्टॉल होगी। तो दोस्तों, एप्लीकेशन बहुत ही कमाल की है, एप्लीकेशन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलता हूं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।